वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश जीके के टॉप प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो का आपकी स्क्रीन पर है कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि कितनी है। अगर आप रेगुलर रूप से हमारे वीडियो देख रहे हैं तब मित्रों आप विश्वास मानिएगा कोई भी प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा 100%। अब इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, इसी के साथ साथ आप ये भी बताएंगे क्योंकि हम आपको पूरा जो टॉप एमपी जीके उपलब्ध करा रहे हैं उसमें हम काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है और इसकी स्थापना आप कमेंट करेंगे कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई और विश्वामित्र खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है। ओके, ये दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। विश्वामित्र खेल पुरस्कार की राशि है भाई 1,00,000 रुपए और विश्वामित्र खेल पुरस्कार के साथ साथ विक्रम पुरस्कार की राशि भी है भाई 1,00,000 रुपए। विक्रम पुरस्कार की राशि भी कितनी है 1,00,000 रुपए और इस विक्रम पुरस्कार की भाई स्थापना की गई थी वर्ष 1990 में। कब की गई? वर्ष 1990 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में देश की प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को 5 स्टार दूंगा। ओके, कितना महत्वपूर्ण है? 5 स्टार के लायक ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्योंकि देश का पहला सेलिंग स्कूल है भाई, तो देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई भोपाल में। ओके, कहाँ पर? भोपाल में वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में जो है पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न यही बनता है सेलिंग स्कूल से संबंधित कि इस सेलिंग स्कूल खोलने में किसने हमारा सहयोग किया है, कि भारतीय नौसेना के सहयोग से खुला है या भारतीय वायुसेना के सहयोग से या भारतीय थल सेना के सहयोग से या फिर सभी के सहयोग से। देखिएगा, साधारण सी बात है कि सेलिंग स्कूल है तो भाई इसकी स्थापना भारतीय नौसेना के सहयोग से की गई है। ओके, भारतीय नौसेना और वोटिंग एसोसिएशन का सहयोग रहा है इसमें। किसका? वोटिंग एसोसिएशन, मैं लिखे देता हूं वोटिंग एसोसिएशन। ओके, इन दोनों के सहयोग से जो है सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी कि भारतीय नौसेना के साथ साथ वोटिंग एसोसिएशन का भी इसमें सहयोग रहा है। और इस केंद्र का या मैं कहूँ इस स्कूल का संचालन जो है वो भारतीय नौसेना के पदाधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था। इसी के साथ साथ आप मुझे एक प्रश्न का जवाब और बताएंगे कि बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बैडमिंटन एसोसिएशन, आप कितनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं भाई हमारे साथ जुड़कर, इस बात का भी तो पता होना चाहिए, कमेंट करेंगे। ओके, तो बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। मैं इसका जवाब बताता हूँ भाई, मध्य प्रदेश का पहला जो खेल क्लब बना था वो वर्ष 1890 में बना था। कब भाई? वर्ष 1890 में। कहाँ पर? इंदौर में। ये भी तो प्रश्न बनता है कि पहला खेल क्लब कहाँ बना, तो हमेशा याद रखें पहला खेल क्लब 1890 में इंदौर में पारसी क्लब के नाम से बना था। किस नाम से? पारसी क्लब के नाम से बना था। तो देखिए 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। पहले खेल क्लब का नाम क्या है? पारसी क्लब। कब बना? 1890 में। कहाँ बना? इंदौर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना की गई है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है भाई हमारी परीक्षा के लिए कि महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2006 में जो है महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना की गई भैया कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा मैंने आपसे पहले पूछा बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है, अब आप मुझे बताएंगे भाई हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है। अरे भाई आप क्या बताएंगे, मैं इसका जवाब बता देता हूँ, हॉकी एसोसिएशन। ओके, हॉकी एसोसिएशन की स्थापना भाई जबलपुर में की गई। जितने भी एसोसिएशन है ना, जितने भी एसोसिएशन है सभी के सभी एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई है। केवल एकमात्र एसोसिएशन है
होलकर वाला, ओके होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ? केवल इंदौर में है, बाकी सभी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कौन से स्थान पर खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की? बहुत वेरी वेरी 5 स्टार दूंगा मैं इस वीडियो के पूरे प्रश्न भाई 5 स्टार के लायक हैं। आप किसी प्रश्न को ये नहीं कह सकते ये प्रश्न आता नहीं है, कभी आया नहीं है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, होलकर पीजा परीक्षा में आ रहे हैं भाई ये। ओके तो मध्य प्रदेश सरकार ने खेलगांव स्थापित करने की घोषणा की है भाई सतगढ़ी में। कहाँ? सतगढ़ी। अब मैं आपसे पूछूं कि सतगढ़ी कहाँ है, अगर वो सतगढ़ी न देकर वो क्या दे दे भाई, जिला दे दे। हमेशा याद रखना भोपाल की राजधानी भोपाल, सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल की राजधानी भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है भाई सतगढ़ी। ओके यहाँ पर क्या है, खेलगांव स्थापित किया जाएगा, ऐसा क्या है भाई घोषणा की गई है। और जमीन कितनी है? 172 एकड़। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पीएससी वालों के लिए रहने देते हैं, हम जेल भरेरी वाले बंदे हैं भाई, अपन को मेन मेन चीज से काम है जो हमारे पेपर में आने लायक है। चलिए प्रश्न है, खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया? सबसे पहला प्रश्न, हमने अभी देखा कि खेल गांव जो है वो भोपाल जिले में 20 किलोमीटर दूर है इस भोपाल से सतगढ़ी, यहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है। और इसका शिलान्यास जो किया गया था भैया जी, वो किया गया था अप्रैल 2007 में। ओके अप्रैल 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि खेल वृत्ति किस आयु से कम के युवा को दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही जवाब है कि खेल वृत्ति जो है वो 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं को दिया जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि सम्मान निधि किसे दी जाती है भाई? मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी भारत के खिलाड़ी को, या मध्य प्रदेश के किसी भी मूल निवासी खिलाड़ी को, या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को? तो हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को सम्मान निधि दी जाती है। ओके सम्मान निधि दी जाती है। और ये जो निधि है भाई देखिएगा, ये जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हुई, जैसे कि ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप, एशियाई, या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का जो प्रतिनिधित्व किया हो किसी ने, या फिर कोई पदक जीता हो, उसी खिलाड़ी को क्या है ये सम्मान निधि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी के कितने राज्य स्तरीय संगठन कार्यरत हैं? देखिए भैया, पुरुष हॉकी के जो राज्य स्तरीय संगठन है वे दो कार्यरत हैं। ओके दो कार्यरत है, सबसे पहला कौन सा है वो सुनिएगा, हॉकी एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन भोपाल। ओके एक तो ये कार्यरत है। ओके और दूसरा है भाई मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, क्या मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन ये कहाँ पे भाई मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, ये है जबलपुर। ओके ये कहाँ है जबलपुर, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत को आपको छांटना है, यहाँ पर कौन सा असंगत है? ओके देखिएगा, भगवान दास, विजय नायडू, रमेश भाटिया, या फिर बन्ने खान। देखिएगा, भगवान दास, विजय नायडू और रमेश भाटिया ये जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। कौन कौन? भगवान दास, ओके विजय नायडू और रमेश भाटिया, तीनों कौन रहे हैं भाई मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। तो ये इनका संबंध किससे हो गया, क्रिकेट से संबंध हो गया तीनों का। ओके और बन्ने खान जो है ना वो मध्य प्रदेश के प्रमुख भाई हॉकी खिलाड़ी रहे, कौन से हॉकी खिलाड़ी, ओके HOCKEY भाई, ओके हॉकी खिलाड़ी रहे हैं बन्ने खान। तो हमेशा याद रखना बन्ने खान हॉकी से संबंधित हैं, भगवान दास, विजय नायडू, रमेश भाटिया क्रिकेट से संबंधित हैं, इसके अलावा संजय जगदाले भाई किससे, क्रिकेट से संबंधित हैं, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, संजय जगदाले किससे, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत जो है वर्ष 1946 से मानी जाती है। ओके आगे बढ़ते हैं,
अब मैं आपसे कहूँ बैडमिंटन का शीर्ष संगठन बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ पर है? जबलपुर में। ओके प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी महिला क्रिकेट की कप्तान रही हैं? भाई महिला क्रिकेट की कप्तान रही हैं संध्या अग्रवाल। कौन? संध्या अग्रवाल। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2007 में संपन्न हुए 33वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भाई इसका सही जवाब है कि 2007 में जो संपन्न हुए थे 33वें राष्ट्रीय खेल, उसमें मध्य प्रदेश ने 12 स्वर्ण पदक जीते। ओके विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक 33वें राष्ट्रीय खेलों की कौन सी खेल प्रतिस्पर्धा में जीते थे? काफी अहम प्रश्न है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब है, कराटे में जीते थे भाई। ओके प्रश्न है कि 33वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी है? तो भाई इसका सही जवाब है कि स्वर्ण पदक विजेता मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है विपिन मैथ्यू। ओके अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन यहाँ पर असंगत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जो आया था प्रश्न वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिएगा, असंगत है शाश्वत पटेल हॉकी। ओके ये असंगत है क्योंकि शाश्वत पटेल जो है एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। शाश्वत पटेल क्या है? एक जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक है। इसके अलावा पूरे के पूरे सीमा भंडारी बैडमिंटन से संबंधित हैं, शाश्वत पटेल जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, सबाना कुरैशी हैंडबॉल से संबंधित है, सुप्रीम कौर बास्केटबॉल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से कर लेने हैं। प्रश्न है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो तात्या टोपे स्टेडियम भाई कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ? भोपाल में है। अब इसके अलावा प्रश्न आता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? भाई रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। और इंदौर में कौन सा है? नेहरू और उषा राजे स्टेडियम। इंदौर में कौन कौन से है? नेहरू और उषा राजे। ओके उषा राजे स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में। इज दैट क्लियर? अब बात आती है रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर का है ना, ये दूधिया रोशनी से युक्त है भाई। ओके दूधिया रोशनी से युक्त। देखिए प्रश्न है कि 2008 में दूसरी ऑल स्टार एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है कि ये भोपाल में आयोजित की गई थी। ओके कहाँ? भोपाल में। अगला प्रश्न है खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे देता हूँ मैं 5 स्टार। तो भाई खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है भाई? मध्य प्रदेश खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य है। देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ओके और इस अवसर पर मुख्यमंत्रियों के द्वारा खिलाड़ियों के उत्साह के लिए ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। इज दैट क्लियर? आगे मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। टॉप एमपीजी के प्रश्नों की सीरीज को हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, उनका सॉल्यूशन देखें। इसी के साथ साथ आप टॉप एमपीजी के सभी प्रश्न देखें, टॉप साइंस के सभी प्रश्न देखें जो हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही हैं। पूरे प्रश्न अति संभावित हैं जो कि व्यापमं की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।